स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड करता है किसी चीज़ के ऊपर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पेपर जिसमें अगर आप 10 सवाल सही करते हो, इफ़ यू अटैम्प्ट 10 करेक्ट क्वेश्चंस, तो आपके 100 नंबर आते हैं, 100 मार्क्स आते हैं। अगर आप 5 सही सवाल करते हो तो आपके 50 नंबर आते हैं। अगर आप कोई सवाल नहीं करते हो, कोई सवाल ठीक नहीं करते हो, तो आपके मार्क्स आएंगे 0। अब ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, कभी गुड, कभी सेटिस्फैक्ट्री और कभी फेल, ये रिज़ल्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पर मुनहसर कर रहा है? ये हमें यहाँ से देखकर, टेबल देखकर, इंफॉर्मेशन जो गिवन है देख के हमें पता चलता है कि ये रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि हाउ मैनी करेक्ट क्वेश्चंस यू डू अटैम्प्ट। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, ज़्यादा नंबर आएंगे। कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, कम नंबर आएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं जो रिज़ल्ट है ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और जो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आप कितने अटैम्प्ट करोगे, जितने मर्जी ये करो, ठीक है, ये इस टेबल के मुताबिक किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो इसलिए क्वेश्चंस को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिजल्ट को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब हम इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं। रिजल्ट को अगर हम आर से डिनोट कर दें और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करोगे उसको हम क्यू से शो करें और एक सवाल के 10 नंबर हों, तो टोटल रिजल्ट आपका कैसे आएगा? आप जितने क्वेश्चन ठीक करोगे उनको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज़ को मैथ में हम ऐसे लिखते हैं कि R बराबर है 10 मल्टीप्लाइड बाय Q। यहाँ पे अब चूंकि रिजल्ट जो है वो फंक्शन है Q का, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे मैंने लिख दिया कि R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, F ऑफ Q इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय Q। अब हम आते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ। पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डेफिनेशन है कि अ वेरिएबल दैट शोज द इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। एक ऐसा वेरिएबल जो गिवन फंक्शन की इनपुट को शो करता है, इनपुट को, यहाँ पे इनपुट को कौन सा वेरिएबल शो कर रहे हैं, क्यू। क्यू क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ज़्यादा करोगे ज़्यादा नंबर आएंगे, कम करोगे कम। एक क्वेश्चन डालो 10 नंबर, दो डालो 20 नंबर। तो ये इनपुट जो आप डाल रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसलिए हमने लिखा कि इन अबव केस क्यू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, the variable which represents the output of a function is known as dependent variable। ये जो ऊपर example थी इसमें हमने देखा कि आपका result आ रहा है कभी 100 marks, 100 आ गए तो हम क्या show करेंगे, R क्या आ गया, 100, result 100 आ गया। 50 marks आए तो हम क्या show करेंगे, result क्या आ गया, R 50 आ गया, and so on। तो हम output को show कर रहे हैं, output हमारे पास है result, आउटपुट को हम शो कर रहे हैं कैपिटल आर के साथ। तो इन दिस केस आर के हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में आपके पास नोटेशन हमारी ये होगी फंक्शंस की, ठीक है। इसमें एक बात हिंट याद रख लो कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आपको नजर आएगी वो आपने समझ जाना है देखते साथ ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस तरह से ये जो वाई इस साइड पे, एफ की दूसरी साइड पे जो चीज़ लिखी होगी, ये आपने समझ जाना है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें हमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा होता है जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हमें नज़र आएगी एफ के साथ लिखी, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और इस साइड पे एफ की दूसरी साइड पे जो चीज़ लिखी होगी उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे।